वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक फैन क्लब। दोस्तों मेरा नाम है कौशिक, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रियलमी नार्जो 20 के बारे में। रियलमी नार्जो 20 का जो जून 2022 का अपडेट है फॉर्म रियलमी ऑफिशियल बोर्ड ऑल आउट हो चुका है यहाँ पे। और इस अपडेट के अंदर क्या कुछ नए फीचर्स देखने को मिलता है, क्या हमें देखने को मिलता है नए, सब कुछ बात करेंगे इस अपडेट के साथ। रियलमी का जो नार्जो 20 का जून 2022 का है, अगर आपको इस तरह के अपडेट के ऊपर इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल में क्लिक करके रख सकते हैं ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। बिना देरी किए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वेल दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जून 2022 अपडेट फॉर रियलमी नार्जो 20 यहाँ पे जो रोल आउट हो चुका है इस मंथ का अपडेट। इस अपडेट के अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिलता है सब कुछ बात करेंगे। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात आपसे कहनी है, अगर आपको इस अपडेट आज के डेट पे देखने को नहीं मिलता तो डरिए मत, ये डेट अपडेट आज ही के डेट में रिलीज हुआ है। सो आज के डेट में आपके फोन में देखने को नहीं भी मिल सकता है, बाकी जो 15 डेज के अंदर आपके फोन में जरूर देखने को मिल जाएगा रियलमी नार्जो 20 का जून 2022 का अपडेट। वेल दोस्तों आप बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। दोस्तों अगर बात करें तो जून 2022 के अंदर रियलमी नार्जो 20 प्रो में हमें रियलमी यू आई 3.0 का अपडेट देखने को मिला था। अब बात करते हैं नार्जो 20 के बारे में तो यहाँ पे हमें जो यू आई वर्जन देखने को मिलता है उसके अंदर आपको देखने को मिलता है RMX 2191 11.3.17 अपडेट आपको देखने को मिलता है। अगर सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो आपको दो मंथ का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है May 2022 एंड June 2022, क्योंकि दो मंथ बाद अपडेट आता है इसलिए दो मंथ का सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिलता है इस अपडेट के साथ। अगर बात करें सिस्टम्स के अंदर तो ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी देखने को मिलता है आपको इस अपडेट के साथ। ये जो अपडेट है ये आप मैनुअली भी कर सकते हैं रियलमी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, वहाँ पर आपको मैनुअली डाउनलोड लिंक यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बट अब मैं कहूँगा कि आप मैनुअली मत करिए, आपके फ़ोन में अगर अपडेट आए उसके बाद ही आपकी अपडेट ज़रूर कर लेना, और हर एक अपडेट करना क्यों ज़रूरी रहता है आप लोगों को तो पता ही है। दोस्तों इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर नीचे कमेंट कर बताएं, अच्छी लगे तो लाइक करना। मैं मिलता हूँ आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।